स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th इंडेक्स नंबर पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट वन वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड एग्रीगेटिव एग्जाम में आपसे जो 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर थ्री मेथड्स है स्टूडेंट्स। कौन कौन से थ्री मेथड है? एक है लैश पियर्स मेथड, दूसरी है पाशेज मेथड और तीसरी है फिशर्स आइडल मेथड। ये तीन मेथड्स के नेम हैं। सबसे पहले हम लोग लैश पियर्स मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। P01 डिनोट करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं? सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0 × Q0 × 100। P1 का मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस, Q0 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस और Q0 का मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं पाशियज मेथड की। तो पाशियज मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। P1 का मतलब करंट ईयर का प्राइस, Q1 का मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी और P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। और फिशर्स मेथड के फॉर्मूले की बात करें तो P01 इक्वल्स टू, इसमें हम लगाते हैं अंडर रूट सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P0Q1 इंटू 100। ये फिशर्स मेथड का फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको अगर लर्न करना है कि हम ये फॉर्मूले को कैसे लर्न करें, तो लास्ट पेयर्स मेथड के लिए आप लर्न कर लीजिए 1000। तो सिग्मा पी क्यू आप पहले लिख दीजिए फॉर्मूले में और 1000 लगा दीजिए, तो आपको लर्न हो जाएगा 1000 से लास्ट पेयर मेथड का फॉर्मूला। पाशेज को लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हैं 1101। तो पहले सिग्मा पी क्यू आप दोनों जगह डिवाइड में लिख दीजिए और 1101 लगा दीजिए। और जो फिशर्स का मेथड का फॉर्मूला होता है वो दोनों को अंडर रूट करके इंटू 100 करके निकल जाता है। और अगर आप मेथड देखेंगे तो दोनों की जब आप आंसर सॉल्व करेंगे, प्लस दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो वो जो आपका आंसर आएगा वो आपका फिशर्स मेथड का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। कमोडिटी, आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा एग्जाम के अंदर? आपको क्वेश्चन गिवन होगा कमोडिटी ABCD Q0 P0। Q0 का मतलब है आपको बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, बेस ईयर का प्राइस गिवन है। Q1 P1 का मतलब आपको करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस गिवन रहेगा। ये चारों चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी। जैसे सपोज कि यहाँ पर गिवन है आपको 6453 Q0 की वैल्यू, P0 की वैल्यू 10 15 8 9, Q1 की वैल्यू 8 5 3 6, P1 की वैल्यू 12 20 16 और 1। अब आपको कैसे सॉल्व करना है? पहले आपको तीनों मेथड से क्वेश्चन दिखा होगा फाइंड इंडेक्स नंबर। फर्स्ट है आपका लास्ट पेयर्स मेथड। तो लास्ट पेयर्स मेथड में आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? P1Q0 चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए, ये आपकी P1 की वैल्यू है और आपको Q0, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया P1Q0, दैट इज 6 12 × 6 72, 20 × 4 80, 16 × 5 83, 3 × 1 3। तो P1Q0 निकल गया। अब सेकंड हमें नीचे फॉर्मूले में चाहिए P0Q0, तो हम सेकंड में क्या निकाल लेंगे? P0Q0 की वैल्यू। तो ये आपका P0 है, ये आपका Q0 है। आप टिक करते चलिए और मल्टीप्लाई करते चलिए। 10 × 6 6 60, 15 × 4 60, 8 × 5 40, 9 × 3 27। सो अब दोनों की वैल्यूज आप रख लीजिए। P1Q0 को आपने जब मल्टीप्लाई किया उसका सम और P0Q0 का सम, तो 235 डिवाइड बाय 187 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 125.66 अप्रॉक्सीमेटली। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया लास्ट पेयर्स मेथड से। सेकंड आपके पास आता है पाशेज मेथड। पाशेज मेथड के लिए आपको चाहिए सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। तो P1 और Q1 आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। P1 की वैल्यू आपको गिवन है और Q1 की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे? 12 × 8 96, 20 × 5 100, 16 × 3 48, 6 × 1 6। अब इसका सम कर लीजिए तो 250 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए P0Q1, तो आप निकाल लेंगे P0Q1, ये आपका P0 गिवन है और आपको एक वैल्यू चाहिए Q1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 10 × 8 80, 15 × 5 75, 8 × 3 24, 9 × 6 54। इसका सम कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 233। अब आपको वैल्यूज रखनी है क्वेश्चन के अंदर। सिग्मा P1Q1 की जगह 250, सिग्मा P0Q1 की जगह 233 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 107.29 अप्रॉक्सीमेटली।
अब आप बात करते हैं हम थर्ड फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड का मतलब होता है जो आपने दोनों सॉल्व किए, 235 अपॉन 187 जो आपने लास्ट पेयर मेथड का सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय जो आपने पार्शियल्स मेथड से सॉल्व किया 250 अपॉन 233 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको अंडर रूट करना है, तो सबसे आसान तरीका आपकी जो वैल्यूज आ रही है 125.66 और 107.29 दोनों को प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो आपको अंडर रूट भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अगर आप दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 116.50। आप एग्जाम में भी इसी तरीके से करके आ सकते हैं। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको वेटेड एग्रीगेटिव में लास्ट पेयर्स मेथड, पार्शियल्स मेथड और फिशर्स की आइडल मेथड तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। अब हम हमारा सेकंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूले की बात करते हैं। तो P01 इक्वल्स टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पर आपको वेट्स असाइन होंगे, आपको आइटम्स गिवन होंगे, तो आपको किस तरीके से फॉर्मूला में पुट करना है आइए देखिए। यहाँ पर जो आपको R निकालना है, R निकालने का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 का मतलब करंट ईयर का प्राइस और P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और वेट आपको क्वेश्चन में असाइन होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। आइटम आपको मिलेंगे ABCDE, वेट्स है 40, 30, 15, 10 और 5। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको गिवन होगा P0 और P1। तो P0 यानी कि आपको गिवन है बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का प्राइस, तो 100, 200, 2, 8 और 1, 200, 800, 16, 40 और 6, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे फॉर्मूले के अंदर, R निकालेंगे, और R निकालने का क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 की वैल्यू भी आपके पास है, P0 की वैल्यू भी आपके पास है। तो P1 दैट इज 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 200 आ जाएगा। 800 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 400 आ जाएगा। 16 बाय 2 इंटू 100, 800 आ जाएगा। 40 बाय 8 इंटू 100, 500 आ जाएगा। और 6 अपॉन 1 इंटू 100, तो 600 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आर डब्ल्यू आपको फॉर्मूला चाहिए, सिग्मा आर डब्ल्यू। तो उसके लिए आप आर को, जो आपने आर निकाला उसको आप वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 इंटू 40 8000, 400 इंटू 30 12000, 800 इंटू 15 12000, 500 इंटू 10 5000 और 600 इंटू 5 3000। अब आप इसका सम कर लेंगे, आर डब्ल्यू का सम आप जब सम करेंगे तो 40000 सम आएगा, और आप वेट्स का सम कर लेंगे 100। अब आपको फॉर्मूला पता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा आर डब्ल्यू की जगह जो आपने कैलकुलेशन करी है 40000, उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, और सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू 100 आप यहाँ पुट करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 से 0 कैंसिल्स हो जाएंगे, 400 आपको आंसर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बाय दोनों मेथड जो आपके वेटेड इंडेक्स नंबर है, जिसमें आपको वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड इसी तरीके से सॉल्व करनी है, और यही चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।